कर दे स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। आज बच्चे कम जुड़े हैं, क्या हुआ? शायद एग्जाम नजदीक आ गया है, रिवीजन कर रहे होंगे। तो एक काम करेंगे, अपन भी जो इम्पोर्टेंट चीज है वही आपको समझा देते हैं। एक्सेल आपने खूब पढ़ी रखा है, वर्ड आपने खूब पढ़ रखा है, जहां से आपको दिक्कत आने वाली है वो मैं आज आपको समझा देता हूँ। सर आप बहुत लेट आते हो, क्या करे, क्लास रहती है SSC वाली क्लास है शाम को। बच्चों छोड़ते ही यहाँ पर आ गया, चाय भी नहीं पी अभी तक, कंटिन्यू क्लास रहती है। चलिए कोई बात नहीं, आज और कल की बात है। कल आपको मेजर डेवलपमेंट ऑफ IT में जो तुम छोड़ के जा रहे हो वो कवर करा दिया जाएगा, और आज एक्सेल में जो तुम छोड़ के जा रहे हो वो कवर करा दिया जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेल आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बच्चे भी बहुत कम है, हो सके तो शेयर कर दीजिए, ताकि जो मैं 10-15 मिनट का शुरू का जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता देता हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और वर्ड अब कर लेना बच्चों, वर्ड काफी पढ़ चुके अपन, खूब एप्लीकेशन में पढ़ा रखा है, खुद एक्सेल में पढ़ा रखा है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जो तुम छोड़ के जा रहे हो वो आज मैं कवर करा देता हूँ आपको। क्लियर है? DBMS पूरा कवर करा दिया, MS Excel पूरा हो चुका, पावर पॉइंट पूरा हो चुका, जो तुम छोड़ के जा रहे हो वो कवर करा देता हूँ आज, तो थोड़ा सा लग जाइए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप एरर को छोड़ के जाते हो, एरर क्या होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक फंक्शन को छोड़ के जाते हो, फंक्शन क्या है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं अपन। क्लियर? तो सबसे पहले तो इस एरर के ऊपर आइए कि ये कौन सी एरर है, कौन सी एरर नहीं। देखो बच्चों एक टेबल आपको दे रखी है, कॉलम ए कॉलम बी, और इधर क्या है, इधर बच्चों 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, सबको पता है एक्सेल क्या होता है। तो एक्सेल के अंदर ये तो मैं बोलने से रहा कि एक्सेल क्या है क्या नहीं है, तो इतना याद रखिए एक्सेल इज द कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट, या एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, या फिर एक्सेल रो एंड कॉलम से मिलकर बना है, यानी एक्सेल है वो कई मल्टीपल सेल से मिलकर बना है। एक्सेल का सबसे छोटा पार्ट क्या है, सेल है, सेल से मिलकर क्या बनती है, सीट, सीट से मिलकर क्या बनती है, बुक, बुक से मिलकर क्या बनती है, तो बच्चों वर्क स्पेस बनता है। तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई, एक्सटेंशन वगैरह वगैरह सब कुछ क्लियर है आपके, इनमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दिक्कत कहाँ आती है, कोई फॉर्मूला आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो आपको क्या देखना है, तो इनको मैं पूरा कंप्लीट करवा के जा रहा हूँ कि पूरे के पूरे फॉर्मूले और पूरे के पूरे फंक्शन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फोटो न्यू वाली काम आएगी, हाँ फोटो न्यू वाली काम आएगी। सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? ऐसे तो 99% नहीं है, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है पेपर जब पढ़ते हो तो बच्चों आगे के ऑप्शन को, आगे जो डायरेक्शन दे रखी होती है उनको पढ़ा करो। डायरेक्शन में अगर लिख रखा है नेगेटिव मार्किंग होगी तो होगी, और नहीं लिख रखा है तो फिर नहीं होगी। क्लियर? अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पांचवें ऑप्शन बनने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पांचवा ऑप्शन आपका क्या होगा, हम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। क्लियर? तो बच्चों उसको बनने की जरूरत ही नहीं है, फिर सारे गोले भर के आना, कोई गोला छोड़ना नहीं है, अगर कोई गोला छोड़ेगा तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखिए आप। क्लियर? 1/3 नंबर कट जाएगा आपका, तो गोला एक भी नहीं छोड़ के आना, गोले सारे बनने, पेपर को 2 घंटे का मांग के करना है, उस स्पीड से पेपर करोगे तो पेपर पूरा होगा, क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन है। क्लियर? देखिए जो चीज आपको आती है उनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना, और जो कंफ्यूजन है लास्ट में उनके गोले जरूर भर के आना, और सभी गोले जब छूट जाए आपसे पेपर तो सभी गोले एक जैसे ही बनने, या तो बी भरो या सी भरो, लेकिन एक जैसे ही बनने। हाँ ए ज्यादा आ रहा है तो ए भी भर सकते हो, डी ज्यादा आ रहा है तो डी भी भर सकते हो, लेकिन एक जैसे ही बनना, उसको बेनिफिट होता है। क्लियर है बच्चों? न्यूज पेपर में दे रखा है, न्यूज पेपर वैलिड नहीं है। हाँ अगर आपका नोटिफिकेशन आया है क्लियर RSM SSB से तो अपन मानेंगे, ना तो नहीं मानेंगे, तो फिर वहां जाके पढ़ लेना। मैंने एक वर्ड बोला 99% तो नहीं है नेगेटिव मार्किंग, 99% तो नहीं है, फिर भी 1% का वही पता चलेगा आपको। हाँ जी और कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। तैयारी सॉलिड आपकी, नो डाउट, बहुत अच्छी तैयारी है। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को एक बार और रीडिंग कर जाना, बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं है, मेरे वीडियो की जो PDF है उनको देख के चले जाना, डेली PDF। नोटिफिकेशन में नहीं दिया तो वहां पता चल जाएगा आपको। चलो बच्चों ये डायरेक्शन है, बच्चों पढ़ लीजिएगा इनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले अपन एरर की बातें कर लेते हैं। तो एरर केवल 2 मिनट का टॉपिक है, थोड़ा सा ढंग से समझना। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मान लीजिए ये कॉलम है ए बी, तो बच्चों कॉलम आपके अल्फाबेटिक चलते हैं,
लास्ट कॉलम आई भी होता है 2003 से पहले वालों में या 2003 तक, 2007 उसके बाद वालों में एक्सेप्ट डी होता है। ये मैंने खूब पढ़ा रखा है, इनको बार बार क्या पढ़ाए, और अगर किसी को पढ़ना है तो मैं डलवा दूंगा अभी एक्सेल का वीडियो बना हुआ है बच्चों। लेकिन जहां पर बच्चा अटकता है वो देखिए, ये रो नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, आप सबके क्लियर हो गया होगा। इसको A1 कहते हैं, इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं बच्चों, इसको B1, इसको B2 कहते हैं, इसको B3 कहते हैं बच्चों, क्लियर। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, यहाँ पर एड्रेस है बच्चों, यहाँ एड्रेस है, यहाँ पर टेक्स्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करना। अब बच्चों इस टेबल को अपन यूज कर करके सभी चीज निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आप बच्चों यहाँ पर आइए, A1 डिवाइड बाई B1, तो A1 कितना है, A1 बच्चों 10 है, B1 कितना है 0, तो 10 डिवाइड बाई 0, इसका मतलब डिवाइड बाई 0 एरर है। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस एरर का नाम है हैश डिवाइड DIV बाई 0 बच्चों, क्लियर, ये एरर है। तो याद रखना बच्चों अधिकतर यही आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो नीचे 0 है, अगर नीचे 0 है तो डिवाइड बाई 0 एरर है, अगर ऊपर 0 आता है बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन की एरर है। डिवाइड बाई 0 बच्चों, ऊपर 0 है तो आंसर 0 आता है, नीचे 0 आते हैं डिवाइड बाय 0 एरर आ जाती है। क्या ये क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से एक एरर आपके क्लियर हो गई, हैश डिवाइड बाय 0 बच्चों, क्लियर, ये याद रखना बच्चों, डिवाइड बाय 0 एरर क्या होता है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्या ये क्लियर है बच्चों? नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर भी देख लेना एक बार। ठीक है तो नहीं है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बाकी वेबसाइट के ऊपर कुछ आया नहीं इसके लिए, क्लियर है बच्चों? बाकी जो खोजी टीचर हैं उनसे पूछ लीजिए आप, वो आपको बता देंगे, बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं है नेगेटिव मार्किंग, 99% तो नहीं है। चलिए अब पढ़ लेते हैं, क्लियर है बच्चों? रन टाइम एरर इसको सी में बोलेंगे, यहाँ पर नहीं बोलेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिवाइड बाई 0 ये छोड़ के मत जाना, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, कौन सी एरर है, एक टेबल दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सी एरर है इस फंक्शन में, या A1 B1 की वैल्यू दे देगा, वो ये कहेगा A1 सेल में वैल्यू कितनी है 5, B1 सेल में वैल्यू कितनी है 0, ये बताओ A1 डिवाइड बाई B1 ये क्या आंसर देगा, तो बच्चे इन्फाइनाइट कर देते हैं, बच्चे 0 कर देते हैं, जबकि आपको पता है 5 डिवाइड बाई 0 है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 0 एरर हो जाएगी। क्लियर बच्चों? ज्यादा समय नहीं लेंगे, मेरे हिसाब से पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है समझो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 बच्चों, क्लियर। चलिए अब बच्चों यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है, A2 को पकड़िए, A2 कहाँ है, A2 ये रहा, A2 ये रहा 20 है, A2 से B6 कहाँ है, ये रहा B6 ये रहा, जब A2 से B6 बोलते हैं बच्चों ये पूरा सिलेक्ट होता है, यहां से यहां तक का मतलब, यहां से यहां तक की बात चल रही है बच्चों, यहां से यहां तक की बात चल रही है, क्लियर। अब बच्चों वो कह रहा है यहां से यहां तक को ऐड करो, यहां से यहां तक को ऐड करो, यहां से यहां तक को ऐड कीजिए बच्चों, क्लियर। अब एक बार बताइए यहां पर तो नंबर है, या नंबर है, या नंबर है, या नंबर है, यहां पर नंबर है, ये बच्चों खाली है, ये कोई एड्रेस है बच्चों, क्लियर। यहां पर कोई ना कोई एड्रेस लगा रखा है, ये 15 है, ये टेक्स्ट है, ये 25 है, ये 40 है, ये 40 है बच्चों, यहां गड़बड़ कौन कौन करेगा, गड़बड़ देखिए नोट, ये जो है ना जो खाली रहता है वो गड़बड़ नहीं करेगा, वो नहीं करेगा गड़बड़, खाली रहता है वो गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन टेक्स्ट गड़बड़ करेगा, ये रेफरेंस है, एड्रेस कभी जुड़ते नहीं है, तो बच्चों ये भी गड़बड़ करता है, टेक्स्ट भी गड़बड़ करता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख दू सम और यहां पर कर दू अरविंद, यहां पर कर दू अरविंद और यहां कर दू टेन, बच्चों एरर आ जाएगी, क्योंकि अरविंद और टेन नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये क्या है, ये टेक्स्ट है, और ये क्या है बच्चों, ये नंबर है, तो नंबर और टेक्स्ट नहीं जुड़ सकता, तो बच्चों इसमें क्या है कि आपको वैल्यू लेना ही नहीं आता, वैल्यू लेना ही नहीं आता कि ठीक है यार आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, आपको जोड़ रहे हो, अरविंद में 10 कैसे जुड़ेगा, आप बताइए। हाँ अगर ये करते हो आप, अगर ये करते हो सम 10 और 20, तो बच्चों आपका आंसर 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों ये तो नहीं जुड़ सकता, कॉमन सी बात है, इसका मतलब आपने वैल्यू ली वो गलत है, या एड्रेस नहीं ले सकता, गड़बड़ कौन करेगा, ये खाली ब्लॉक नॉट अवेलेबल गलती नहीं करेगा बच्चों, नॉट अवेलेबल ये गड़बड़ नहीं करेगा बच्चों, ये एक तो रेफरेंस गड़बड़ करेगा, एक टेक्स्ट गड़बड़ करेगा बच्चों, क्लियर। तो ये वाला और ये वाली चीज गड़बड़ करेगी, याद रखिए
क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है और ये नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या गड़बड़ कर रहे हो आप, वैल्यू में गड़बड़ कर रहे हो, वैल्यू में गड़बड़ कर रहे हो। तो बच्चों इस तरीके की जो एरर आती है उनको वैल्यू एरर कहते हैं, वैल्यू से रिलेटेड एरर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, सेकंड पॉइंट अगर आपके क्लियर है, यार वैल्यू लेना ही नहीं यार आपको, तो आप तो वैल्यू लेना ही नहीं जान रहे हो, आपने क्या गड़बड़ कर दिया, आप सोचिए विचार कीजिए। क्लियर, वैल्यू लेना नहीं यार आपको, ठीक है। सम का एक एग्जांपल याद रखना कि अरविंद सर ने बताया था कि अरविंद नाम की वैल्यू में 10 जोड़ दीजिए। अरे अरविंद नाम की वैल्यू में 10 कैसे जोड़ दोगे आप? तो वैल्यू याद रखना, डिवाइड बाय जीरो याद रखना कि भाई नीचे जीरो है, तो डिवाइड बाय जीरो एरर आ गई। हाँ, वैल्यू गलत ले लिया आपने। वैल्यू कैसी होनी चाहिए था? नंबर होना चाहिए था, रेफरेंस नहीं हो सकता, टेक्स्ट नहीं हो सकता, खाली हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। आप किसी रेंज को ले रहे हो, मान लो अगर आप ये कर रहे हो सम, बच्चों कहां से कहां तक, ए टू से लगा के, ए टू इसको कहते हैं, बी बी सिक्स, बी सिक्स तक, तो बच्चों खाली जगह को नहीं काउंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ वैल्यू की गड़बड़ है, क्लियर बच्चों। और वैल्यू वर्ड आते ही देख लेना कि यार सम में अरविंद में 10 जोड़ रहे हो आप, नहीं चलेगा। ए में 5 जोड़ रहे हो, ए में से 5 घटा रहे हो, ये नहीं चलेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर नोट अवेलेबल मेंशन करना जरूरी होता है क्या? हाँ, कर दो तो बेस्ट है, कर दो तो बेस्ट है बच्चों। नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डेटा ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, क्लियर, कट कॉपी पेस्ट में। बाकी नोट अवेलेबल आप लिखते हैं, सही तरीका है, लिखते हैं। सर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको याद करके ऑप्शन बनेंगे, ऐसा क्यों करते हो? आए तो मेरे को याद करके भरना बाबू, और नहीं आए तो फिर तुम्हारे टीचर जिससे तुमने पढ़ा है, कोर्स लिया है, उनको याद करके भरना। मेरे को मैंने तो सब कुछ पढ़ा दिया, मैंने तो मेरे एप्लीकेशन में सब कुछ पढ़ा दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कि उनसे बाहर आए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, आए तो मेरे को याद करके भरना, और तुमको नहीं आए तो तुम्हारे जो गुरुजन है जिनसे आपने कोर्स लिया उनको याद करके भरना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। तो वैल्यू रिलेटेड एरर, बिल्कुल वैल्यू रिलेटेड एरर। बच्चे कंफ्यूज किसमें होते हैं, नंबर रिलेटेड एरर और वैल्यू रिलेटेड एरर। तो ये वैल्यू रिलेटेड एरर है, याद रखना, सम अरविंद में 10 जोड़ दो, वैल्यू रिलेटेड एरर। कई बार आ जाता है सम, बच्चों पिछली बार ये क्वेश्चन आया था 10-20 एक ऐसी एरर है, तो ये में ये थोड़ी जुड़ सकते हैं बच्चों, गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे कर दो तो सम यहाँ पर क्या A1 और यहाँ पर 10 ये 20, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये A1 है ना, ये सेल का एड्रेस है, ये सेल का एड्रेस है, यह आंसर आएगा। याद रखिए अरविंद कोई सेल का एड्रेस नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत है, यहां दिक्कत है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए आप बच्चों, रेफरेंस एरर। अब रेफरेंस एरर क्या है? तो बच्चों ये कह रहा है कि ऐड करो A1 को B2 को C3 को ऐड करो, A1 B2 C3 को ऐड करो। A1 कहां है? A1 ये रहा, B2 कहां है? B2 ये रहा, और C3 कहां है? तो बच्चों C3 या C3 है नहीं, अब C3 है ही नहीं और आपने कमांड लगा दी, तो बच्चों C3 नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, डेटा ही नहीं है, आपने केवल यही भरा है और डेटा ही नहीं है। औरों में तो डेटा था बच्चों, डेटा था, लेकिन डेटा मैचिंग वाला नहीं था, तो वैल्यू एरर है। और बच्चों यहाँ तो उपलब्ध ही नहीं है, क्या ये एड्रेस उपलब्ध है? 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 नहीं है। तो जब एड्रेस ही उपलब्ध नहीं है तो रेफरेंस गलत लिख दिया आपने, तो रेफरेंस रिलेटेड एरर। बच्चों क्लियर, रेफरेंस रिलेटेड एरर याद रख लेना। अरे गुरुजी क्या कर रहे हो, यहाँ तो सीटी खाली पड़ी है, यहाँ पर तो है ही नहीं ऐसा कुछ भी, तो रेफरेंस रिलेटेड एरर है। बच्चों क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। अभी तीनों बता दीजिए, वैल्यू रिलेटेड एरर यानी अगर सम करना है तो सम नंबर वाली वैल्यू में होगा, सेल सेल लिख सकते हो आप, कोई रेंज लिख सकते हो आप, लेकिन ए में आपको 10 जोड़ना है तो ये वैल्यू रिलेटेड एरर है। डिवाइड बाय जीरो एरर, बच्चों डिवाइड बाय जीरो एरर, डिवाइड बाय जीरो एरर, तो बच्चों हैश डिवाइड बाय जीरो और एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है वो एजिटी लगाना। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया होगा। अच्छा, अरे गुरुजी आपकी सीट में इधर तो कुछ आई नहीं, आपने इधर तो कुछ भरा ही नहीं, ना नोट एप्लीकेबल है ना कुछ और है, तो बच्चों फिर क्या करेंगे? तो रेफरेंस एरर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस एरर, हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, नेम एरर कब आती है? तुमको फॉर्मूला ही पता नहीं, तुमको फॉर्मूला ही पता नहीं, एक्सेल में इतने फॉर्मूले हैं, तुमको फॉर्मूला ही पता नहीं है, तो क्या
शायद नेटवर्क इशू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेम रिलेटेड एरर क्या होती है आपके दिमाग में लेके आइए, कौन कौन सी हो गई, डिवाइड बाई जीरो हो गई, बच्चों वैल्यू से रिलेटेड हो गई, बच्चों रेफरेंस रिलेटेड हो गई, रेफरेंस रिलेटेड हो गई। क्लियर, इसको उल्टा लगाए। भाई सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है दो तीन दिन से, थोड़ा सेट करना पड़ेगा आपको, मैं भी मान रहा हूं थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, एक दो दिन की बात है, फिर तो लैब दूसरी जगह लगा रहे। हाँ थोड़ा सा सेट कर लेना। तो बच्चों अब आ जाइए नेम रिलेटेड एरर। नेम रिलेटेड एरर का मतलब, नेम रिलेटेड एरर का मतलब कुछ ऐसा फॉर्मूला आपने लगा दिया जो है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा। तो बच्चों ये सम में देखिए, सम एम, तो बच्चों ये नेम रिलेटेड एरर है। याद रखना वैल्यू कि इस तरीके की वैल्यू लगा दी जो टाइप से मैच नहीं कर रही है, वैल्यू रिलेटेड एरर, डिवाइड बाय जीरो एरर। बच्चों रेफरेंस ऐसा ले लिया जो है ही नहीं, आपकी सीट में है ही नहीं, जो आपने क्रिएट किए उनमें है ही नहीं, बच्चों क्लियर, तो वो रेफरेंस रिलेटेड एरर आ गई। और बच्चों अगर फॉर्मूला गलत है तो फॉर्मूला रिलेटेड एरर आ गई, बच्चों क्लियर। तो फॉर्मूला रिलेटेड एरर का मतलब आपका जो मेथड फॉर्मूला का नेम है वो गलत है, तो ये नेम रिलेटेड एरर है बच्चों, क्लियर। ये याद रखना, क्या वाकई यही है फॉर्मूला, क्या आपका फॉर्मूला यही है, पूछ रहा है ये, क्या आपका फॉर्मूला यही है। भाई फॉर्मूला मतलब नेम, नेम, नेम रिलेटेड एरर है बच्चों, क्लियर। हाँ जी एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। अरे तुम्हारे लिए नहीं लगाएंगे, सिस्टम वालों के लिए लगाएंगे, एक दो दिन तो तुम ऐसे भी सेट कर लो, क्यों डिस्टर्ब होते हो, अरे तुमको तो तत्काल चाहिए और तुम खुद नहीं सुधरना चाहते। बच्चों यहां तक क्लियर है, फॉर्मूला बोलो या नेम बोलो एक ही बात है, फॉर्मूला रिलेटेड एरर या नेम रिलेटेड एरर। अरे क्या नाम लिखा तुमने, क्या फॉर्मूला लिखा, अच्छा तुमको फॉर्मूला ही पता नहीं है, नेम रिलेटेड एरर आ गई बच्चों, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर ये एम एक्स्ट्रा लग गया, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, क्लियर। फॉर्मूला रिलेटेड एरर, फॉर्मूला रिलेटेड एरर या नेम रिलेटेड एरर बच्चों, क्लियर। तो वो ये पूछता आपसे क्या कि हाँ क्या ये नेम सही है, क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या तुमने फॉर्मूला सही लिखा है, ऐसा अगर उसकी डिक्शनरी में फॉर्मूला नहीं मिले तो पूछता आपसे क्या ये नेम सही है क्या। नेम का मतलब होता है फॉर्मूला। अब सुन लो कौन कौन सी बताई, डिवाइड बाय जीरो एरर, डिवाइड बाय जीरो में जीरो से डिवाइड हो जाए। वैल्यू एरर कि ऐसी वैल्यू जो चली नहीं सकती, जैसे सम के अंदर, सम के अंदर आपने ए में क्या जोड़ा, 10 जोड़ा, तो बच्चों ये वैल्यू रिलेटेड एरर हो गई। बच्चों एक ऐसा एड्रेस लिया आपने A1 प्लस B2 प्लस C3, अब बच्चों ये दोनों तो है लेकिन ये है ही नहीं, इसका मतलब आपने रेफरेंस गलत लिया है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, रेफरेंस रिलेटेड एरर हो जाएगी। बच्चों इसके बाद आपने फॉर्मूला गलत ले लिया, सम तो होता है, अरे सम तो होता है लेकिन ये तो नहीं होता, तो बच्चों ये नेम रिलेटेड एरर हो जाएगी बच्चों, क्लियर। अभी तक मैंने ये चार बताए, चारों में से कोई क्वेश्चन बन सकता है। हाँ जी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर अब आएगा तो हम पहचान लेंगे और कर डालेंगे, क्लियर। हाँ बता देंगे लास्ट में, क्लियर। तो चलिए फॉर्मूला रिलेटेड एरर है तो फॉर्मूला रिलेटेड एरर यानी फॉर्मूला गलत है तो उसको नेम बोलते, नेम बोलो फॉर्मूला बोलो एक ही चीज है बच्चों, क्लियर। अपन बोलते हैं ना नेम बॉक्स बच्चों, क्लियर, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बॉक्स, क्लियर, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो। हाँ जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये नोट अवेलेबल एरर कब आती है, जब कोई डेटा उपलब्ध नहीं होता, क्लियर। देखिए वी लुकअप, वी लुकअप का मतलब आपको ढूंढना है, किसको ढूंढना है बच्चों, 30 को ढूंढना है, कहां से कहां तक बच्चों, V1 से B6, क्लियर। वी लुकअप 30, वी लुकअप 30, ये रहा बच्चों वी लुकअप 30, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। B1 से B6 में 30 को ढूंढना है, क्लियर। अब एक बार बताइए B1 से B6 मतलब यहां से यहां तक, B1 से B6 ये है बच्चों, क्लियर। अब यहां पर आइए, ये गड़बड़ है, एक मिनट वापस सुनना। देखो वी लुकअप 30 को अपन को ढूंढना है, कहां से कहां तक ढूंढना है, B1 से B6, तो B1 से B6 ये रेंज हो गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये है क्या 30 है क्या इसमें, नहीं है, नहीं है, B1 से B6 इसमें 30 उपलब्ध ही नहीं है। अब वी लुकअप में बच्चों अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो उसको बोलते हैं नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल एरर, नॉट अवेलेबल एरर, क्लियर। याद रखिए वी लुकअप, एच लुकअप, इनमें कोई डेटा ढूंढ रहे हो इस रेंज में वो डेटा है ही नहीं बच्चों, क्लियर, तो ये एरर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी को ये कर दूं बच्चों, यहां पर कर दूं A1 से B6, अब क्या होगा ये चेक कर लेते हैं। A1 से B6 की अगर मैं बात करूं तो समझने की कोशिश करना बच्चों, A1 से B6 की अगर मैं बात करूं तो समझने की कोशिश करना, A1 ये रहा, B6 ये रहा,
ये पूरी रेंज है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर आइए, क्या इसमें 30 है? बिल्कुल 30 है। तो बच्चों वन डेटा, इसका वन डेटा, इसका वन डेटा क्या हो जाएगा, 30 रिटर्न हो जाएगा। तो बच्चों आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, 30 आ जाएगा। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो यहाँ पर वन डेटा की जगह इसका टू डेटा करता तो नॉट एप्लीकेबल आ जाता, नॉट अवेलेबल वाला आ जाता बच्चों, क्लियर। अगर मान लो यहाँ 30 की जगह में 10 कर देता, कितना कर देता 10, तो बच्चों B1 से B6 में, A1 से A6 यहाँ पर चेंज कर दिया, A1 से B6 में 10 है क्या? बिल्कुल है। और बच्चों यहाँ 1 कर दिया तो इसका रिटर्न क्या होगा, 10 होगा। और अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो इसका रिटर्न क्या होगा बच्चों, 0। मेरे हिसाब से भी लुकअप भी समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता। याद रखिए अगर आपने जो रेंज सेलेक्ट की उसमें मिल जाए तो ठीक है, अवेलेबल है, नहीं तो नॉट अवेलेबल है। तो बच्चों B1 से B6 देखो, B1 से B6 में 0 है, 5 है बच्चों, यहाँ पर नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है, 15 है, 25 है और 0 है। अब बच्चों B1 से B6 में 30 देखिए है क्या, नहीं है। अब 30 है ही नहीं बच्चों, अब 30 नहीं है तो बच्चों नॉट अवेलेबल, क्लियर। तो याद रखिए VLOOKUP में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू अपन को दूसरी वैल्यू को रिटर्न करना होता है। अच्छा ये कह रहा है कौन सी वैल्यू को, तो फर्स्ट वैल्यू इनको कहते हैं, सेकंड वैल्यू इनको कहते हैं। इस केस में अगर मैं मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं VLOOKUP लिख दूं बच्चों, क्लियर, यहां पर कर दूं मैं, कितना कर दूं बच्चों 40, और यहां पर कर देता हूं मैं बच्चों, यहां पर कर देता हूं A2 से B6, और बच्चों यहां पर सेकंड डेटा अपन को रिटर्न करना है, और बच्चों यहां पर क्या कर दिया मैंने, फॉल्स, क्लियर। चलिए इसका आउटपुट क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। VLOOKUP 40 को अपन को लुकअप करना है A2 से B6 रेंज में। A2 कहाँ है, A2 तो ये A1 है, ये A2 ये रहा, यहां से यहां तक B6 रेंज ये होगी, यहां से यहां तक की रेंज में देखिए आपको कहीं 40 मिला, बिल्कुल 40 मिला, कहां मिला 40 आपको, ये 40 मिला, क्लियर है बच्चों, 40 मिल गया, यहां मिल गया, यहां मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को इसका दूसरा डेटा रिटर्न करना है, दूसरा डेटा आपका क्या है, 40। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, हाँ जी, अगर क्लियर है तो बताइए। अगर मैं 40 की जगह अगर 20 कर दूं तो 20 देखिए, 20 है आपका, बिल्कुल 20 है यहाँ पर बच्चों, A2 से B6 में बिल्कुल है 20, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों इसका सेकंड डेटा यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा, 5। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो और वो मिला ही नहीं, अगर वो डेटा मिला नहीं, आपने VLOOKUP किया 30 मिला ही नहीं, कौन सी रेंज में, B1 से B6 रेंज में आपने किया और वो मिला नहीं, इसका मतलब नॉट अवेलेबल एरर आ जाएगी बच्चों, क्लियर, नॉट अवेलेबल एरर आ जाएगी, क्लियर है। फॉल्स का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, लिखना पड़ता है बस इसके पैटर्न में बच्चों, क्लियर, फॉल्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, लिखना पड़ता है, इसका एक पैटर्न है, क्लियर, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। अब बच्चों अब तक क्या क्या हो गया, अब तक नेम की एरर, अरे फॉर्मूला ही नहीं आता तुमको, नेम की एरर हो गई। अच्छा वैल्यू, आप सम टेक्स्ट में कोई नंबर जोड़ रहे हो तो वैल्यू से रिलेटेड एरर हो गई, डिवाइड बाई 0 एरर हो गई बच्चों, क्लियर है। रेफरेंस से रिलेटेड एरर हो गई, अरे वो रेफरेंस यूज करो जिसमें कुछ पढ़ा ही नहीं है बच्चों, क्लियर। अच्छा VLOOKUP इसको ढूंढ रहे हो और ये तो है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, तो नॉट अवेलेबल एरर हो गई, क्लियर। अब चलिए एक एरर की तरफ जिसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट में आती है और इसको नंबर एरर कहते हैं, कि भाई आप कई फॉर्मूले की लिमिट होती है। आप सबको पता है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो बच्चों इसमें क्या है, ये कंसेप्चुअल एरर है बच्चों, याद रखिए कि कोई भी नंबर स्क्वायर्ड करना है, स्क्वायर रूट करना है -1, तो बच्चों आप बताइए कौन सी एरर आएगी, तो नंबर एरर आएगी, कि नंबर के रूल है बच्चों वो फॉलो करने होंगे आपको, नेगेटिव का कभी भी आपको स्क्वायर रूट नहीं कर सकते बच्चों, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं करते, तो यही रट लेना, स्क्वायर रूट में नेगेटिव आते ही आपकी एरर आएगी नंबर, क्योंकि नंबर से रिलेटेड लॉजिक बनाए हुए हैं, आप उनको छेड़ नहीं सकते। क्या लॉजिक है कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता बच्चों, क्लियर। रियल वैल्यूज आंसर आना चाहिए, काल्पनिक वैल्यूज आंसर नहीं आना चाहिए। अगर कभी कोई काल्पनिक वैल्यू आंसर आती है तो बच्चों याद रखिए नम से रिलेटेड आएगी। मैथमेटिकल रिलेटेड एरर 2 है आपकी, डिवाइड बाई 0 और नम, डिवाइड बाई 0 में क्या होगा, आपने ऐसे से डिवाइड कर दिया जो इनफाइनाइट आंसर देता है बच्चों, तो इसका मतलब डिवाइड बाई 0। और नम एरर जब आएगी, जब आपका मैथमेटिकल अप्रोच को गलत सिद्ध करते हो बच्चों, जैसे -9 का रूट निकालना है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन स्क्वायर जरूर कर सकते हो,
स्क्वायर कर सकते, स्क्वाट नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, तो वहां नम से रिलेटेड एरर आएंगे। तो बच्चों सब एरर के आगे आप हैश लगाते हो और पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हो, लेकिन एक नेम एरर के पीछे हैश नेम, तो वो ये पूछता है क्या क्या फॉर्मूला चेक किया आपने बच्चों, क्या फॉर्मूला चेक किया आपने, तो ये नेम एरर है बच्चों। तो नेम एरर की पहचान देखिए, ये नेम एरर है बच्चों। यहाँ पर क्या है, तो ये नम एरर है कि नंबर के कंसेप्ट आपके ढीले हैं, क्लियर। यहाँ पर आइए, ये क्या है, नॉट एप्लीकेबल एरर है बच्चों, ये लीजिए। वो ये कह रहा है अवेलेबल ही नहीं है, ना तो वो कोई आश्रय हुआ उसको, ना उसने कोई क्वेश्चन पूछा है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वो ये फॉर्मूला पूछ रहा है, अरे भाई फॉर्मूला सही है क्या, क्या किया तुमने, फॉर्मूला नहीं आता क्या, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये एरर आ जाएगी बच्चों। रेफरेंस, वो ये पूछ रहा है, अरे रेफरेंस सोचो सोचो ये हो सकता है क्या, उसको आश्चर्य हुआ, ये रेफरेंस तो मिला ही नहीं बच्चों, ये रेफरेंस एरर आ जाएगी। आश्चर्य होता है, इसका मतलब वही आश्चर्य है बच्चों। ये कह रहा है अरे क्या कर रहे हो, तुमको वैल्यू का पता होना चाहिए, वैल्यू वैल्यू है ना, नहीं तो मेरे को आश्चर्य हो जाएगा। अरे तुम अरविंद में 10 जोड़ रहे हो, कैसे जोड़ सकते हो बच्चों। अरे तुम डिवाइड बाय जीरो कर रहे हो, मेरे को आश्चर्य हो रहा है, डिवाइड बाय जीरो बच्चों, क्लियर, डिवाइड बाय जीरो एरर बच्चों। एक में ही क्वेश्चन मार्क्स आता है और नॉट अवेलेबल में डायरेक्ट आता है और सब में हैश लगता है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दो, सारी एरर क्लियर है क्या, सारी एरर क्लियर है क्या। अब बताओ स्क्वाट करना है, यानी रूट की संख्या, नेगेटिव संख्या का रूट निकालना है, तो नम एरर आ जाएगी बच्चों। गलत वैल्यू में कोई चीज जोड़नी है तो वैल्यू एरर आ जाएगी, फॉर्मूला गलत करोगे तो नेम एरर आ जाएगी बच्चों। रेफरेंस ऐसा लोगे जहां पर कुछ चीज है ही नहीं तो रेफरेंस एरर आ जाएगी बच्चों। वी लुकअप, एच लुकअप में ऐसी संख्या यूज करोगे जो है ही नहीं तो नॉट अवेलेबल एरर आ जाएगी, क्लियर। हाँ जी एक बार कमेंट कर दो, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये सारी की सारी एरर है, यहां से एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, जरूर देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी हजारों क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो, मैंने आपको पूरा रहस्य ही समझा दिया, अब तुम हजारों क्वेश्चन इसका कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब बच्चों एच लुकअप है, चलिए और तो अपन देखेंगे किसका क्या आउटपुट होता है क्या नहीं होता, वो सब अपन देखेंगे। एच लुकअप है जैन, जैन को देखना है, A1 टू D4, A1 टू D4 देखिए, A1 येरा, A1 से D4 येरा, मतलब इस पूरी रेंज में आपको देखना है, A1 से D4, ये A1 कहलाता है, ये D4 कहलाता है, क्लियर बच्चों। जैन 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 बिल्कुल येरा, बिल्कुल जैन येरा, A1 से D4 देख लिया, 4 रिटर्न, 1 2 3 4, 6000 60000, तो आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों, 60000, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, इसका आउटपुट 60000 आ जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, क्लियर, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। करे तुम्हारे लेवल पे इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा करवा रहा हूं ताकि आपको लगे नहीं कि गुरुजी ने कहीं पर कोई कमी छोड़ दी, क्लियर। हाँ जी कमेंट करो, अरे फॉर्मूला नहीं दिख रहा, अरे तुमको हो क्या गया, तुमको ऐसी ऐसी चीजें दिख जाती है जो नहीं देखना है, ये लो, कोई एरर है क्या यहां पर बताइए, कोई एरर है क्या, कोई एरर है क्या, कोई एरर है क्या बताइए, कोई एरर है क्या यहाँ पर बताइए। एच लुकअप है, सही है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, फॉर्मेट भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो सही है, क्या दिक्कत है बच्चों। A1 से D4 की रेंज भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है, क्लियर है बच्चों। मजा नहीं आ रहा, वो जुनून नहीं है कि हाँ सब क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वी लुकअप एच लुकअप सेम टू सेम काम करते हैं। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का